बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको आज की इस वीडियो में वेलकम कहती हूँ। आज मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की का रिश्ता लाई हूँ जिन्होंने शादी के एक माह बाद अपने शोहर से अलहदगी ले ली थी। इनका नाम कुत्सिया है। ये एक सरकारी जॉब करती हैं। उम्र इनकी 29 साल है। गोरी रंगत है। कद मुनासिब है। इनकी ज़ात मुग़ल है। पढ़ी लिखी हैं। कुत्सिया के दो भाई हैं और एक बहन है। सारे बहन भाई शादीशुदा हैं। वालिद साहब बैंक से रिटायर्ड हैं। कुत्सिया के रिश्ते के लिए हमारी कुत्सिया की वालदा से फ़ोन पर बात हुई थी। उन्होंने रिश्ते की तफसील बताते हुए कहा है कि शादी के चंद दिनों बाद हम अपनी बेटी को घर ले आए थे। जब हमने उनसे अलहदगी की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि हमने अपनी बेटी की शादी इसके कज़न के साथ की थी। ये लड़का कुत्सिया के मामू का बेटा था, मगर कुत्सिया की मामानी इस रिश्ते से खुश नहीं थी। वो अपने बेटे की शादी किसी दूसरी जगह करना चाहती थी। कुत्सिया की वालदा ने बताया कि कुत्सिया की मामानी ने कुत्सिया को दिल से कबूल ही नहीं किया था। इन तमाम हालात को देखते हुए हमने कुत्सिया को वापस अपने घर में लाने का फैसला किया। घर लाने के बाद हमने कुत्सिया को वापस नहीं भेजा। कुत्सिया की वालदा ने कहा है कि हमें अब अपनी बेटी की जल्द से जल्द दोबारा शादी करनी है। उनको किसी अच्छे और नेक लड़के का रिश्ता चाहिए जो कुत्सिया को ढेर सारी खुशियाँ दे सके। तो नाजरीन, ये था कुत्सिया का रिश्ता। इनकी वालदा काफ़ी परेशान है। अपनी बेटी का घर जल्द बसाना चाहती हैं। आप अगर इस रिश्ते को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो फिर आप हमसे राब्ता कर लें। अल्लाह करे कुत्सिया को भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए ताकि इनकी वालदा की परेशानी ख़त्म हो जाए और कुत्सिया को एक अच्छा शोहर भी मिल जाए। तो इसके साथ अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।